उज़मल् में शाहरिम बसम दोस्तों सिविल पटिशन है वन सिक्स टू एट टू वन सिक्स थ्री सिक्स आफ टू जीरो टू ज़ीरो इसमें चेयरमैन नायब है वर्सेस निसार अहमद पठान एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जस्टिस उम्रता बंदयाल मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह मिस्टर जस्टिस आयशा मलक ने इस केस को सुना है इसमें जनाब हम देखते हैं कि इशू क्या है फैक्ट्स की जहां तक बात है फैक्ट्स में द चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो थ्रू दीज पिटीशन सीक्स लीव टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ सिंध ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पटीशन फाइल बाय द रिस्पॉन्डेंट अंडर आर्टिकल वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, वेयर बाय द पोस्ट एंड प्री अरेस्ट बेल्स हैव बीन ग्रांटेड टू द दैम इन नैब रेफरेंस पेंडिंग ट्रायल इन द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट सखर फॉर देशेंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रटिसिस एज डिफाइंड इन सेक्शन नाइन एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन टेन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डीनेंस नाइनटीन नाइन्टी नाइन तो ये जो है जी नाइनटीन नाइन्टी नाइन का अकाउंटेबिलिटी नैब का ऑर्डीनेंस जो है इसका सेक्शन नौ जो है और दस है इसकी बाबत बात की गई है इसमें पोस्टर प्रीरस बेल के हवाले से बात की गई है अब इसमें जो क्वेश्चन उठाया गया है सबसे पहले जो इशू बनता है वो ये है कि व्हाट इज स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस टू बी मेड फॉर कैंसलेशन ऑफ बेल क्या मैंने अर्ज किया जी व्हाट इज स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस टू बी मेड फॉर द कैंसलेशन ऑफ बेल इन नैब केसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू सेक्शन नाइन And punishable order, Section ten of NAB Ordinance, nineteen ninety nine. So the scope of interference to be made by this court in its appellate jurisdiction in such like matters is well settled, and hardly retraction. This court usually interferes on two grounds when the impugned order is perverse on the face of it. Perverse ka yeh, deliberately. जानबूझकर व्हेन द एप्यूंग ऑर्डर हैज़ बीन मेड इन क्लियर डिस ऑफ सम प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ बेल जब कोई साफ क्लियर नजर आ रहा हो कि ये कोई गलत बात की गई है या फिर जो है एम्प्यूंग ऑर्डर जो है वो क्लियर जो है वो बेल के असूलों के खिलाफ हो तो ये पहला जो इशू था उसका ये जवाब है तो जनाब जवाब क्या बना द कोड यूजली इंटरफेयर्स ऑन टू ग्राउंड ऑन बेल ग्रांटिंग ऑर्डर वेन द इम्प्यूंग ऑर्डर इज परवर्स ऑन द फेस ऑफ इट जब इम्प्यूंग ऑर्डर जो है वो पिरवर्स हो डेलीबरेटली ऐसा किया गया हो और दूसरी यह है कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ बेल की अगेंस्ट ऑर्डर किया हो यह पहला इशू है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया दूसरा इशू इसमें आज वट इज परवर्स ऑर्डर परवर्स ऑर्डर है क्या तो इसकी डिफाइन किया गया परवर्स पेवर्स ऑर्डर इज वन डेट हैज़ बिन पास अगेंस्ट देट ऑफ द मटीरियल ऑन द रिक्ड बाई इग्नोरिंग सच मटीरियल और विदाउट गिविंग रीजन सच ऑर्डर इज आल्सो टर्म्स एज आर्बिट्रेरी एंड कैप्रिक्यूर्स यानी कि ये आपके पास जब फैसला अदालत ने किया तो वो मटीरियल नहीं था रिकॉर्ड पर उसके बगैर ही ये फैसला किया गया विदाउट गिविंग यानी रीज़न तो ये जो दूसरा इशू था उसकी बात हमने की कि जनाब रिवर्स ऑर्डर इज वन डेट हैज़ बिन पास अगेंस्ट द वेट ऑफ मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड आर बाय इग्नोरिंग सच मटेरियल आर विदाउट गिविंग रीजन इसी हवाले से एक और जो पोस्ट रेस्ट और प्री रेस्ट बेल के हवाले से जो इशू उठाया गया इस जजमेंट में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी है वन सिक्स टू एट टू वन सिक्स थ्री सिक्स ओवर टू ज़ीरो टू ज़ीरो में वो इशू किया जी वेदर डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज़ प्रमिजिबल एट बेल स्टेज क्या बेल स्टेज पर आप डीपर जो है वो एप, ए, कर सकते हैं एविडेंस आप एविडेंस को बहुत ज़्यादा क्लोजली देख सकते हैं बेल स्टेज पर तो ये थर्ड था जी इसका उसमें कहा गया इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ बेल डेट कोर्ट्स आर नॉट टू एंडल्ज इन द एक्सरसाइज ऑफ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड्स एट द बेल स्टेज क्योंकि जनाब ये एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल है कि आपने कानून का ये एलिमेंट्री प्रिंसिपल है कि कोर्ट्स को चाहिए कि वो इस चक्कर में ना पड़ें डीपर एप्रिसिएशन जो है मटीरियल रिकॉर्ड करना देखें बेल की स्टेज पर उसके बाद जनाब प्री रेस्ट पोस्ट रेस्ट बेल के हवाले से जो नैब का केस है उसमें जो चौथा इशू उठाया गया वो था व्हाट इज़ पिरवर्स ओपिनियन पहले हमने प्रिवर्स पर, ऑर्डर का पड़ा था अब है पिरवर्स ओपिनियन पिवर्स ओपिनियन जनाब इशू इसको हमने कैसे देखना When two opinions can reasonably be formed on the basis of the same material, both pass a plausible opinion, which it can be argued that one opinion is more or less plausible than the other. None of them can be termed as a perverse opinion. A perverse opinion is the one which no prudent person can reasonably form on the basis of material record available on record. तो इसमें जनाब प्रिवर्स ओपिनियन के हवाले से ये कहा गया है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि जनाब आप प्रिवर्स ओपिनियन उसे कहेंगे जो के करार दिया गया जाए प्रिवर्सियन ओपिनियन जो टेढ़ी राय है वो है जिसे कोई अक्ल प्रूडेंट अक्लमंद शख्स मकूल तौर पर नहीं कर सकता जो रिकॉर्ड पर दस्तयाब मवाद की बुनियाद पर हो अप्रिवर्स ओपिनियन इज़ द वन विच नो प्रसन कैन रिजनेबली फॉर्म ऑन द बेस ऑफ मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर जो मटीरियल अवेलेबल है उसके ऊपर जो है कोई भी अक्लमंद शख्स जो है वो ऐसी टेढ़ी राय ना रखे तो उसको ये करार दिया गया है इसी तरह दोस्तों इसी जजमेंट में जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ नैब की जो कि वन सिक्स टू एट टू वन सिक्स थ्री सिक्स ओवर टू जीरो टू सिविल पटिशन हैं इसमें एक और इशू उठाया गया वेदर द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल इज़ बारोड फ्राम सेक्शन फोर नाइन्टी सेवन ऑफ सी आर पी सी इन नैब केसेज़ कि क्या नैब केसेज में जो चार सौ सतानवे सी आर पी सी से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया है तो इसका जवाब ये है कि जनाब क्वेश्चन ऑफ बेल इन नैब केसिसज नॉट बारोड फ्रॉम सेक्शन 497 नाइन्टी सेवन रादर इट एमनेट्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स टू लिबर्टी डिग्निटी फेयर ट्रायल एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिटरी डिटेंशन गारंटेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 10 10 ए एंड 14 एंड फ्रॉम द ऑपरेशनल स्कीम ऑफ द नैब ऑर्डीनेंस जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल नौ दस दस से और चौदह से लिया गया है ये फोर नाइन्टी से कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया इसमें एक और इशू जो था इस जजमेंट में उठाया गया वेदर टू ओपिनियन कैन रीजनेबली बी फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम मटीरियल वट कोर्स द कोर्स शुड प्रेफर एंड एक्ट अपॉन अगर दो ओपिनियन रीजनेबल लगे तो उसमें फिर अदालत ने किसको जो है अपनाना होता है ठीक कहना होता है वेयर टू ओपिनियन कैन रीजनेबली बी फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम मटीरियल द कोर्स शुड प्रेफर एंड एक्ट अपॉन डैट विच फेवर द एक्यूज पर्सन एंड एक्चुअलाइज इज़ फंडटल राइट टू आर इन द ग्रांटिंग बेल इज़ बेटर दैन टू आर इन डिक्लाइनिंग दो रीज़नेबल ओपिनियन हों तो जो रिकॉर्ड के मुताबिक मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है उसमें से जो राय बन रही है जिससे मुलजम को फ़ायदा हो रहा है उसको अपनाना चाहिए उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए बजाय इसके कि आप किसी को बेल किसी की डिक्लाइन कर दें उससे बहुत बेहतर है कि आप बेल दे जमानत दे दें दोस्तों ये हमने पेश की आपकी खिदमत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक इम्पॉटेंट जजमेंट जिसमें नैब में अपील्स के हवाले से कुछ बड़े अहम असूल थे उनकी बात की गई थी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़